नेक्स्ट जो मेरा बिजनेस टूर होने वाला है 99% जम्मू का रहेगा और लोकेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सी जगह जम्मू में। ये लैंडस्लाइड हुई थी तो भाई आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और थोड़ा सा फीवर है लेकिन राइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, क्योंकि अपना बिजनेस ऐसा ही है, मतलब भाई मैं छुट्टी नहीं ले सकता। तो सुबह मेरे को 100.2 डिग्री बुखार था और थोड़ा सा लेट हो गया मैं, तबीयत थोड़ी सी डाउन थी। अभी टैबलेट वगैरह लिया, इंजेक्शन लिया है तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो बताना भाई मैं कैसा लग रहा हूँ एक बार देख सकते हो आप। और आज मैं फर्स्ट टाइम अपने पूरी किट में मतलब रेडी होकर जा रहा हूँ, सिर्फ शूज़ बाद में लेने हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताना भाई कैसा कुछ लग रहा है, हेलमेट और सारी चीज़ें कैसी कुछ दिख रही हैं। तो अभी मैं आपसे बाइक पे मिलता हूँ और बाइक अभी कुछ ऐसी रेडी रखी है, ये देखो बराबर में सैडल बैग्स लगे हुए हैं, सारी चीज़ें मतलब ठीक है, बहुत अच्छी लग रही है। और अभी मैं आपसे डायरेक्ट बाइक पे मिलता हूँ। ओके टाटा बाय बाय। वो खोल रखा है तो भाई अपनी जो ट्रिप है उसकी शुरुआत हो चुकी है और जस्ट अभी घर से निकला हूँ और थोड़े बहुत पब्लिक रिएक्शंस देखूँगा मैं भाई गांव के, कैसे क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मतलब मेरे गांव से कोई ऐसा राइडर फर्स्ट टाइम ही कोई जा रहा है इस तरीके से रेडी हो के, तो मेरे गांव का पहला राइडर मैं ही हूँ। और भाई जब दूसरी बाइक पे जाऊंगा तब तो अलग ही मजा आएगा, अल्टीमेट रिएक्शंस होने वाले हैं। तो अभी हर किसी के इतने ज़बरदस्त रिएक्शन आएंगे तो एक बार बीच में मैं शॉप पर रुकूंगा, कुछ टॉफीज़ वगैरह लूंगा और ताकि भाई रास्ते में नींद वगैरह आए तो अपने टॉफी खाते रहेंगे। तो अभी भाई मैं पूरे गांव के बीच में मतलब कैमरा को ऑफ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को रिएक्शंस भी तो नोट करने हैं और जब दूसरी बाइक आएगी उस पर तो अलग ही रिएक्शंस होंगे भाई हर किसी के। तो लेट्स वेट एंड वॉच। अभी मैंने अपना फर्स्ट ब्रेक लिया है, तबीयत सुबह से थोड़ी सी ख़राब थी तो सोचा एक बार ब्रेक लेके थोड़ा सा टैबलेट वगैरह ले लूँ। और भाई बाइक कुछ ऐसी लग रही है तो वाटर बॉटल वगैरह सारी चीज़ें मैं कैरी कर रहा हूँ साथ में ही। और भाई मोटो व्लॉगिंग अभी तक मैं इसीलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्लेन रोड है, कुछ दिखाने के लिए है नहीं और डायरेक्ट चंडीगढ़ क्रॉस होते ही मैं मोटो व्लॉगिंग शुरू करूँगा क्योंकि भाई उधर से हो जाएंगे पहाड़ शुरू और पहाड़ों में तो अलग ही मजा है। तो प्लेन रोड का क्या करूँगा दिखा के। तो भाई अभी मैं क्रॉस कर चुका हूँ पंचकूला और थोड़े से ब्रेक वगैरह भी टाइट किए मैंने, थोड़े से ढीले हो गए थे और यहाँ से भाई पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि मैं वीडियो को भी शुरू करूँगा जब पहाड़ आ जाएंगे, तो यहाँ से शुरू हो जाता है भाई अपना हिल एरिया और साथ के साथ ऐसे वॉच में मॉनिटर करना पड़ रहा है क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि भाई फ़ोन ऐसे लगा रखा है तो पता नहीं लग पा रहा क्योंकि अब हेलमेट चेंज हो चुका है। तो उस पहले वाले हेलमेट में तो अलग से दिख जाती थी स्क्रीन, तो इसमें दिख नहीं रही। तो चलो ये भी गुड पॉइंट है कि भाई मेरी वॉच ये फैसिलिटी है कि भाई मैं मॉनिटर कर सकता हूँ एज ए रिमोट कंट्रोलर। और भाई वॉच की भी बैटरी डाउन है, ध्यान ही नहीं रही चार्ज करनी। तो अभी 5 मिनट के अंदर भाई हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर जाएंगे। 5 भी क्या, शायद जैसे टन लेते आगे वेलकम टू हिमाचल का वो बोर्ड आ जाता है। तो ये देखो यार कितने सुंदर सुंदर से व्यू अभी से शुरू हो चुके हैं और आगे जैसे हम पहुँचेंगे तो एक से एक नज़ारा दिखने को मिलेगा आप सभी को। और तो भाई अभी अपनी एंट्री हो जाएगी हिमाचल में और इधर हरियाणा उधर हिमाचल। तो एक बार मैं यहाँ पे रोक के बाइक एक थंबनेल के लिए फ़ोटो लूँगा, वह एक्चुअली वैसे तो मैंने थंबनेल बना लिया था लेकिन ये फिर भी काम आ जाएगा। तो चलो रहने दो यार, बार बार क्या थंबनेल बनाऊँगा। फिर भी अभी भाई जस्ट हम एंटर हो चुके हिमाचल में।
अभी पता लग जाएगा। टू व्हीलर पे तो कुछ नहीं है। तो भाई अभी पहले चेक पोस्ट हमने क्रॉस किया है, तो एंट्री के टाइम पे और एग्जिट के टाइम पे इधर से ही होता है। तो पीछे एक भाई बोल रहा था व्लॉग, मैं कहा हाँ भाई व्लॉग बना रहे हैं। तो सही है भाई, अच्छे अच्छे रिएक्शंस मिलते हैं। मतलब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चली हुई चीज़ें हैं ये, और जब ऐसे रास्ते हों और ऐसे नज़ारे हों तो भाई क्यों मन क्यों ना करेगा, बिल्कुल मन करेगा भाई व्लॉगिंग के लिए। मतलब मज़ा इतना आता है यार भाई, प्रोफेशन ऐसा है, सपने शौक पैसा सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, बस भगवान ऐसे ही मेहरबान रहे। तो भाई HR19 तो हरियाणा की गाड़ी देख के अलग ही मतलब फील आती है कि हाँ अपने साइड से कोई आ रहा है। तो आसपास की ही गाड़ी अपनी है HR19 बताना भाई कमेंट करके कि कहाँ का नंबर है ये हरियाणा में। HR12 तो रोहतक का है, आसपास का ही है कोई, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना भाई HR19 कहाँ का है। और उधर से अपना कोई सब्सक्राइबर है तो ज़रूर बताना। और रास्ते में ऐसे ऐसे वॉल पेंटिंग्स बहुत सारे देखने को मिलेंगी, बहुत सुंदर बना रखी हैं। अब की बार तो भाई व्लॉगिंग करने में मस्त मज़ा आ रहा है, क्योंकि अच्छी आवाज़ और गुड क्वालिटी ऑफ वीडियो भाई, क्योंकि डायरेक्ट आईफोन से शूट हो रही है और वीडियो के मामले में आईफोन का कोई मुकाबला नहीं भाई किसी से। तो प्रॉपर स्टेबलाइजेशन और सारी चीज़ें मस्त हैं। और शिमला कितना रहेगा ये तो मेंशन नहीं कर रखा। हाँ भाई शिमला का रास्ता यही है, शिमला ही इधर से होके जाते हैं। 85 Solan 37 हमको जाना धर्मपुरा, 18 किलोमीटर रह गया। कसौली धर्मपुरा ये खट्टा ही है, और जो अपनी लोकेशन आज की वो कसौली में ही है या फिर आसपास ही जो भी है। अभी तक मैंने लोकेशन नहीं मंगवाई है और मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। तो एक बार धर्मपुरा पहुँच के और उधर से कॉल कर लेंगे सर के पास कि एक बार लोकेशन भेज दीजिए। तो मन तो करता है यार इधर से थोड़ा सा और आगे भी चले गए शिमला, लेकिन अभी नहीं। अभी ये लगा लो यहाँ के रेगुलर मेरे शूट आते रहते हैं, तो अब की बार कसौली दिखाऊंगा, नेक्स्ट टाइम आपको शिमला सोलन ये चीज़ें सारे धीरे धीरे करके क्रॉस कवर करेंगे। हो सकता है नेक्स्ट टाइम तो मैं अपनी सुपर बाइक पे आऊँ। और भाई ये देखो कितना मस्त लग रहा है, सामने सारा सब कुछ कवर हो रहा है। और मैं कैमरा का एंगल थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी। हाँ सब सही आ रहा है। तो भाई अभी मेरे पास लोकेशन आ चुकी है और मैं 20 मिनट में अपनी लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा। होटल शिवालिक करके अपनी डेस्टिनेशन है। और भाई सुबह तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बुखार था 100.2 डिग्री, और यहाँ चंडीगढ़ क्रॉस करते करते उस टाइम तक भी थोड़ी सी तबीयत डाउन थी। लेकिन भाई जैसे ही थोड़ा सा पहाड़ों में आए तबीयत एकदम चकाचक हो गई। मतलब यार ये नज़ारे हैं ना जो उनको देखते ही ना बंदे की तबीयत वैसे ही मस्त हो जानी, इतना अच्छा लगता है यार। और भाई ग्लोव्स मैंने निकाल दिए क्योंकि बार बार फ़ोन को ऑपरेट करना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए, तो ग्लोव्स नहीं डाले। और अभी ठंड भी नहीं है तो मैं सोचा क्यों रिस्क हो जाता है यार उसमें, बार बार अच्छे से फ़ोन को ऑपरेट नहीं कर पाते। और तब हाँ मैं कह रहा था कि तबीयत बंदे की ठीक हो जाती है यार, इतने अच्छे अच्छे व्यूज दिखते हैं, इतने खूबसूरत नज़ारे, और क्या चाहिए यार, ख़राब तबीयत को भी ठीक कर देते हैं। और जब बाइक को ऐसे टर्न करते हैं बिल्कुल टेढ़ी हो गई जब बाइक जाती है तो यार अलग ही मज़ा आता है। ये मज़ा सिर्फ पहाड़ों में मिल सकता भाई आपको। तो कोई भाई राइड करना चाहे साथ में तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कभी ग्रुप बना के चलेंगे कहीं कहीं ना कहीं पर, तो अच्छा सा
ये कसौली के लिए रास्ता हो जाता है धर्मपुरा, एग्जैक्ट धर्मपुरा चौक पे खड़ा हूँ मैं और उधर कसौली जाता है। तो पिछली बार ये करमाड़ा जो ये दिखा रखा है, इधर भी एक इवेंट कर रखा है मैंने, तो अभी कसौली की तरफ निकलते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे व्यू है यार देखने को, मतलब मेन रोड पर इतना नहीं क्योंकि भाई वो फोर लेन रोड है और ये है वन वे, इसमें बहुत अच्छे नज़ारे आएंगे। थोड़ा सा गहरी खाई भी दिखेंगी और भाई थोड़ा सा संभल के भी चलना पड़ेगा इस वाले रोड पे, तो क्योंकि स्पेस बहुत कम है। और यहाँ पे आपको प्रॉपर ये चीड़ के पेड़ दिखाई दे पाएंगे ना, हाँ चीड़ के ही हैं भाई, बहुत सही, मतलब बहुत अच्छी फोटोग्राफी होती है ऐसे एरियाज में। तो मैं भी अपने फ़ोटोशूट वगैरह करूँगा और भाई मेरी इंस्टा आईडी अभी स्क्रीन पर आ रही होगी, फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट डालता रहता हूँ और सारी अपडेट्स वगैरह उधर भी डालता रहता हूँ। तो भाई अभी मैं इधर से आपको दिखाता हूँ, इधर वाले ये रोड था, इधर से आए थे वो रहा नीचे, और यार कितना प्यारा लग रहा, मतलब ऐसे zigzag, और मतलब तो यार ये देखो बिल्कुल यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी है, ये लैंडस्लाइड हुई थी और एकदम नीचे देखोगे तो एकदम से गहरी खाई दिखेगी, मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो नीचे खाई है दिख रही होगी, कैमरा शायद जस्टिफाई ना करा पर मेरे पेरेंट्स देखेंगे तो एक बार तो गुस्सा जरूर होंगे कि ये ऐसे काम नहीं करने। तो बिल्कुल किनारे के सट, मतलब बिल्कुल किनारे के पास पास चल रहे हैं और रोड काफ़ी नैरो है। अभी होटल में आ चुके हैं और एक बार मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ, और उससे पहले ये देखो भाई वॉल पेंटिंग्स कितनी ज़बरदस्त है, ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लगी, कितनी अच्छे से मीन्स कलर कॉम्बिनेशन देखो यार कितनी अच्छी बना रखी है। और 403 ये अपना रूम है और अंदर से मैं दिखा दूँ, अभी हेलमेट रख दिया मैंने और भाई ये देखो यार बहुत अच्छी लुक आ रही है, मतलब फील ये अलग आती है जब आप प्रॉपर रेडी हो के अपना कंटिन्यू करते हो अपनी राइड को। और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ, अभी जो हमारी बालकनी से आ रहा है वो ये है, अल्टीमेट है बॉस, बहुत तगड़ा, सुबह और शाम के टाइम पे बहुत ज़बरदस्त लगेगा। तो यहाँ पे फोटोज़ बहुत तगड़े फ़ोटो क्लिक करूँगा, मज़ा आ जाएगा यार, पोस्ट डालेंगे सुकून मिलेगा कि हाँ इतनी अच्छी जगह पे मतलब ऐसे शूट किया है। तो एक बार मैं नीचे का हॉल वगैरह भी दिखा दूँगा आपको और थोड़ा बहुत शाम का पोर्शन दिखा दूँगा कि कैसा क्या कुछ व्यू आ रहा है, और इससे ज़्यादा तो और ज़्यादा लंबी वीडियो का नहीं खींचेंगे, इतनी लंबी तो ही भी नहीं 8-9 मिनट की, लेकिन हाँ 15 मिनट तक की लेंथ रखूँगा अब की बार में वीडियो की। और ये देखो भाई सामने चीड़ के पेड़ है और कितने ही सुंदर, कितने मस्त लग रहे यार, अल्टीमेट भाई। अभी सारे गियर्स वगैरह को उतार देता हूँ और शूट के लिए मैं अभी रेडी हो जाता हूँ, थोड़ा सा बाल वगैरह ऐसे ख़राब हो गए हेलमेट की वजह से। और भाई एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जब आप ऐसा हैवी हेलमेट यूज़ करे हो मीन्स जिसकी पैडिंग इतनी, जैसे थोड़ा सा बिल्कुल बहुत ज़्यादा फिटिंग वाली पैडिंग है इसकी, तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, जो अपना कैप होती है मोंग की कैप बोलते हैं उसको, थोड़ा इसकी हेलमेट की अलग से आती है, तो वो ज़रूर यूज़ करें, तो भाई आपके सारे बाल उड़ जाएंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट डे ऐसे ही करके देखा था, मेरे बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए थे। तो मैंने नेक्स्ट डे अपना ऑर्डर किया तो मेरे को मिल गया। तो अभी भाई मैं सारा गियर्स को उतार देता हूँ और अभी रेडी हो जाता हूँ। अभी चेंज कर लिया और थोड़ी सी ठंड लग रही थी, अभी भी फीवर है, लेकिन चेहरे को देख के ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा होगा भाई, ये लगा लो राइड की खुशी या कुछ भी लगा लो। तो अभी चेंज किया और भाई अभी थोड़ी सी भूख लगी है, दवाई लेने से पहले मैं सोच रहा हूँ कुछ हल्का फुल्का खा लेता हूँ, और अभी लंच चला हुआ है तो टेरिस उधर से व्यू भी बहुत अच्छा आएगा, तो चलो एक बार ऊपर जाके लंच वगैरह कर लेते हैं और फिर अपना आगे का शूट कंप्लीट करते हैं, शाम तक का जो शूट ही रहेगा, तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्टी रहे, सभी का इंट्रोडक्शन वगैरह होगा, तो इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हाँ कल प्रॉपर शूट रहेगा पूरा इवेंट का, तो
तो भाई अभी मैं जाके लंच कर लेता हूँ और आपसे ऊपर मिलता हूँ। अभी रोटी सब्जी दाल और रायता, साथ में बेहतरीन सा व्यू, एकदम बेस्ट कॉम्बो भाई, और आप इंजॉय कर सकते हो हमारे साथ मिलके। और मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ खाना कंप्लीट करके अपना। और ये बाहर खाने का ये दुख है भाई, कुछ भी आके गिर सकता है। तो भाई अभी यहाँ पे मीटिंग चल रही थी और एक टी ब्रेक हुआ छोटा सा, और मेरा भाई डिटेल्स उधर मेंशन की हुई है, जैसे ग्रुप क्रिएट कर देंगे तो उसमें फ़ोटो वीडियोस डाल देंगे, तो एक तरीके से मेरा प्रमोशन भी है भाई, तो बेनिफिशियल है, बहुत अच्छा लगता है यार ऐसे कोई, मतलब ये देखो इतनी बड़ी स्क्रीन पे अपनी डिटेल्स मेंशन हो रही है। तो एक्चुअली इसका रीज़न क्या है, मेन टेलीग्राम का ग्रुप बनाना है, जितने भी फंक्शन के जितने भी फ़ोटोज़ होंगी सारे उस ग्रुप में डालेंगे, और छोटा सा टी ब्रेक के बाद दोबारा से सभी की गैदरिंग इधर होगी, और उसके बाद फिर से अभी 5:55 हो चुके हैं, 20 मिनट का टी ब्रेक था, और थोड़ी देर में सभी वापस आ जाएंगे, फिर से अपनी मीटिंग शुरू होगी, कोई 1.5-2 घंटे का फिर सेशन रहेगा, उसके बाद फिर टाइम बचता है तो उसका तो मैं मॉल रोड की तरफ जाऊँगा कसौली के, या फिर कल, लेकिन हाँ विजिट जरूर करूँगा भाई, पूरा कसौली घूम के आऊँगा मैं। पहले क्या करता था मैं, घर पे चला जाता था, अब नहीं, अब पूरा ट्रैवल करेंगे, अच्छे से व्लॉग बनाएंगे, और स्टे ट्यून्ड, मस्त ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है कल, आज भी जो आज का शूट है वो कल आएगा, और कल वाला परसों, ऐसे एक एक दिन के गैप में, क्योंकि भाई पूरा दिन काम चलता है तो एडिटिंग में भी और अपलोडिंग में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो धीरे धीरे करके डेली व्लॉग आएगा, ज़बरदस्त रहेंगे सारे सभी अब तक। तो भाई दिन का एंड हो चुका है और अभी टाइम हो चुका है 8:55 एग्जैक्ट, और अभी हम करेंगे डिनर, और डिनर करके वीडियो को भी एंड करेंगे। और भाई डिनर की लोकेशन ये देखो यार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है, पीछे पहाड़ और लाइट्स, और इधर ओपन टेरेस पे अपना डिनर होगा। तो भाई मेरे को बताना कैसा लग रहा है, मतलब मेरे को तो मज़े आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो मेरा बिजनेस टूर होने वाला है 99% जम्मू का रहेगा, और लोकेशन मैं अभी नहीं बताऊंगा कौन सी जगह जम्मू में, तो अभी डिस्कस हुई थी सबसे थोड़ी देर पहले, दिसंबर में ही होगी, तो दिसंबर का जो नेक्स्ट मेरा ट्रिप रहेगा जम्मू का होगा, और भाई उधर टोटली स्नो, एकदम मज़ा आएगा। तो भाई अभी मैं डिनर करता हूँ और वीडियो पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपसे कल एक नई वीडियो के साथ, अभी वीडियो एडिट करूँगा और अपलोडिंग पे लगाऊंगा, सुबह तक हो जाएगी, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर वीडियोस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।